भारत में इतिहास तीन भाग में पढ़ाया जाता है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मतलब हमारे पढ़ाई के अनुसार हमारे देश का इतिहास शुरू होता है यही कोई 2500 ईसा पूर्व से। दरअसल इतिहासकारों ने रामायण को इतिहास की श्रेणी में कभी रखा ही नहीं, इसे केवल माइथोलॉजी कहा गया, यानी कि सिर्फ एक काल्पनिक कथा। अंग्रेजों के लिखे इतिहास में भी ये कहा गया कि राम काल्पनिक थे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना तब हुई थी जब अंग्रेजी तारीख का आविष्कार भी नहीं हुआ था। वाल्मीकि ने रामायण की रचना 5074 ईसा पूर्व में की थी और रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। बीतते वक्त के साथ इसमें कुछ बातें जुड़ी, कुछ बातें घटी, कुछ अकल्पनीय घटनाओं का समावेश हुआ, चमत्कारों की घटनाएं जोड़ी गई और धीरे धीरे रामायण को एक काल्पनिक ग्रंथ मान लिया गया। लेकिन रामायण केवल कथा, कल्पना और मान्यता नहीं है, उनके ठोस वैज्ञानिक प्रमाण भी है। हम मान्यताओं को हकीकत से जोड़ते ऐसे ही प्रमाण आपके सामने लेकर आए हैं। अयोध्या में 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व राजा दशरथ की पहली संतान यानी प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, और ये तारीख कोई तुक्का नहीं है बल्कि वैज्ञानिकों की पूरी टीम ने इस तारीख को कैलकुलेट किया था। और क्या आप जानते हैं कि इस टीम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन थे? हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। Back and they can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged at the same location as it described on the Ramayana, and the city of Dwaraka has been explored by American archaeologists in the moment of India. वाल्मीकि एक महान खगोलशास्त्री थे और उन्होंने रामायण में हर महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताते हुए आसमान में ग्रहों की स्थिति के बारे में भी लिखा है, और उसी आधार पर वैज्ञानिकों ने रामायण काल की सारी घटनाओं की तिथियां खोज निकाली। खगोलीय विवरण की गुत्थी सुलझाना आसान काम नहीं था। भारत में कई वैज्ञानिकों की फौज ने मिलकर ये पहली सुलझाई। यही वजह है कि आज जो सबूत हमारे सामने है उनसे प्रामाणिक कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम के जन्म तिथि की गणना 9 आधारों पर की गई थी। ग्रहों की स्थिति, समुद्र का स्तर, पेड़ पौधों का विवरण, धरती का स्वरूप, मनुष्य के जेनेटिक्स, पृथ्वी की आयु, खुदाई में पाई गई पुरानी सभ्यताओं की चीजों का अध्ययन, मनुष्य के अलावा बाकी जीवों का अध्ययन और मौसम विज्ञान, यानी इन 9 प्रमाणों के आधार पर श्री राम की जन्मतिथि निकाली गई। इस तिथि को निकालने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया वो प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर इसरो और नासा जैसी एजेंसियां अपने रिसर्च के लिए इस्तेमाल करती है। इसका सीधा मतलब यही है कि जो कुछ हमारे धर्म ग्रंथों में हम पढ़ते हैं वो सब कुछ हुआ था, वो हमारा इतिहास है। जब प्रभु श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने निकले और रामेश्वरम के समुद्र के पास पहुंचे तो हिंद महासागर उनके सामने एक बाधा बनकर खड़ा था। तब सिर्फ 5 दिन में समुद्र पर एक ऐसे सेतु का निर्माण हुआ जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। इसे एडम ब्रिज कहिए, सेतु समुद्रम या राम सेतु। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता हुआ ये हिस्सा रामायण की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का सबसे बड़ा सबूत है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में राम सेतु को लेकर विस्तार से वर्णन मिलता है। पुल बनाने के लिए प्रभु श्री राम ने बड़े शिल्पीकार नल को जिम्मेदारी सौंपी थी। नल विश्वकर्मा के वंशज थे। राम सेतु के निर्माण में जिन पत्थरों पर श्री राम लिखकर समुद्र में डाला गया वो पत्थर तैरने लगे। इन तैरते पत्थरों का प्रमाण रामेश्वरम में आज भी मिलता है। नासा ने 1993 में राम सेतु का सैटेलाइट चित्र जारी किया था। इन चित्रों में धनुषकोडी और जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है वही राम सेतु है। पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहते हैं।
सुंदरकांड में ये उल्लेख है कि हनुमान जब लंका पहुँचे तो उन्होंने चार दांतों वाले हाथियों को रावण के महलों की रक्षा करते देखा। और सच में ऐसे चार दांतों वाले हाथियों के अवशेष भी वैज्ञानिकों को श्रीलंका में मिले हैं, जो उसी काल के थे और जिन्हें आज गोम्फोथिरिदे के नाम से जाना जाता है। रावण से सीता को बचाने के बाद भगवान राम ने उन्हें अपनी पवित्रता साबित करने को कहा था, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी थी। दिवरम पोला में बना सीता माता का मंदिर वही जगह है जहाँ सीता माता ने अग्नि परीक्षा दी थी। वार्यपोला श्रीलंका की वो जगह है जहाँ पर रावण अपना पुष्पक विमान उतारता था। सिर्फ यही जगह नहीं बल्कि श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा खोज करने के बाद यह पांच ऐसी जगह मिली है जहाँ साबित हुआ है कि रावण अपना पुष्पक विमान इन जगहों पर उतारता था। और श्रीलंका गवर्नमेंट द्वारा यहाँ ऐसे बोर्ड भी लगाए गए हैं। श्रीलंका के घने जंगल में करीब 700 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें देखने को मिलता है इंसानों द्वारा बनाया हुआ वो इंजीनियरिंग का अद्भुत आविष्कार, जिसे रावण की गुफा कहा जाता है। इस गुफा में पानी का स्रोत भी बनाया गया था, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। ये गुफा कई किलोमीटर लंबी है और इसका एक रास्ता रावण के महल से जुड़ा है। यहाँ की सरकार द्वारा इसके अंदर जाने का रास्ता अब बंद कर दिया गया है। सीता एलिया श्रीलंका में स्थित वो स्थान है जहाँ रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। माता सीता को सीता एलिया में एक वाटिका में रखा गया था, जिसे अशोक वाटिका भी कहते हैं। इस क्षेत्र में लाखों की तादाद में आज भी अशोक के लंबे पेड़ दिखाई देते हैं। रामायण में वर्णन है, जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था, इसीलिए जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैर के निशान वहां बन गए, जो आज भी मौजूद है। इस स्थान की शिलाओं पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान देखे जा सकते हैं। कार्बन डेटिंग से इसकी उम्र लगभग 7000 वर्ष पूर्व की आकी गई है। यह सीता माता के मंदिर में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सीता जी की जो मूर्तियां रखी है उनकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि वो भी 5000 वर्ष पुरानी है। आज जिस स्थान पर यह मंदिर है वहां कभी विशाल का वृक्ष हुआ करता था, जिसके नीचे माता सीता बैठी रहती थी। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जब रावण के कहने पर हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई थी तो हनुमान ने लंका का काफी हिस्सा जला दिया था। उसमें आज श्रीलंका में स्थित उसानगोड़ा भी शामिल है। हम यह इस बात के सबूत भी आज देख सकते हैं। यहाँ के पत्थरों पर आग से झुलसने के निशान हम देख सकते हैं। जहाँ हनुमान जी भगवान राम का इंतजार किया करते थे उसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। रामायण में भी इस जगह के बारे में लिखा गया है। अयोध्या के पास इस जगह पर आज एक हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। श्रीलंका के उस स्थान पर जहाँ लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी वह हिमालय की जड़ी बूटियां देखने को मिलती है, जो श्रीलंका के बाकी हिस्से में नहीं पाई जाती। हिमालय की जड़ी बूटियों को श्रीलंका के उसी हिस्से में पाया जाना रामायण में लिखी घटना का बहुत बड़ा प्रमाण है। तो ये थे रामायण को सच साबित करते कुछ मुख्य सबूत। ऐसे सैकड़ों सबूत आज भारत और श्रीलंका में मिले हैं, जो रामायण को शक की निगाह से देखते हैं उनकी बोलती बंद कर देगा। अब तो श्रीलंका पर्यटन विमान इन स्थानों की सैर करवाता है। श्रीलंका रामायण ट्रेल नामक स्पिरिचुअल टूरिज्म की इस योजना और टूर को लेकर श्रीलंका सरकार के पास काफी प्रस्ताव भी आए हैं। श्रीलंका का इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और वहां के पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े ऐसे 50 स्थल ढूंढ लिए हैं जिनका पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व है और जिनका रामायण में भी उल्लेख मिलता है। हाल ही में रावण के 4 हवाई अड्डे भी ढूंढ लिए गए हैं। आज हमारे देश के ही कई लोग हमारे भारत के गौरवशाली इतिहास को झुठलाने की कोशिश करते हैं,
लेकिन हमें जानने की जरूरत है कि जब आधी दुनिया पढ़ना लिखना भी नहीं जानती थी, तब भारत में कई महान पौराणिक ग्रंथों की रचना हुई थी। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज का युवा हमारे इन्हीं पौराणिक कथाओं को शक की नजर से देखता है। अगर आपको आज की वीडियो में जरा सी भी सच्चाई नजर आ रही है तो इसे लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।